नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की डिमांड पर मैं इसमें लेकर आया हूँ टाइटैनिक थीम सॉन्ग का ट्यूटोरियल बांसुरी पर। किसकी बांसुरी? मेरी ही कंपनी की है, शिव्स म्यूजिक फ्लूट, और मैं आपको बताऊंगा जी बेस पर। और इसके अलावा आपको दो और स्केल पर बताऊंगा, सी मीडियम और ए बेस पर, ताकि जो लोग कहते हैं कि सर मेरी बांसुरी पर बनाओ, मेरी बांसुरी पर बनाओ, कोई कहता है डी स्केल पर बनाओ, कोई कहता है ए स्केल पर, कोई सी स्केल पर, तो मैं बताना चाहूंगा कि हर स्केल पर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है, आपको सेम तरीके से बजाना है। अब मैं एक वीडियो में हर 12 स्केल पर नहीं बजा सकता, ओके? तो आपको सेम तरीके से ही सीखना है, और आपकी जो भी बांसुरी है वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप खुद की रिकॉर्डिंग मुझे सुनाना चाहते हैं, मैं उसमें चेक करूंगी क्या गलती है, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो दिया हुआ नंबर है वहां पर मैसेज कीजिए, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको सिर्फ नोटेशंस की हिंट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है, लेकिन व्हाट्सएप वाला पेड है, पेड, ओके? तो अब आते हैं, ये है जी बेस फ्लूट, ओके, 26 इंच शिव्स म्यूजिक फ्लूट, मेरी कंपनी की। अब आपको स्टार्ट जो करना है, सॉन्ग शुरू होने से पहले एक म्यूजिक आता है, फेमस म्यूजिक है, सुना ही होगा आपने, तो उसको एक बार देख लेते हैं कैसे बजाना है। सा नोट से आप स्टार्ट कीजिए, ये म्यूजिक देखना कैसे बजाते हैं, ठीक है? अब आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, है ना? आपको जो फीलिंग निकल के आ रही है, जो धुन निकल के आ रही है, वो समझना है। आपको स्टार्ट करना है सा नोट से, सा रे रे ग, सा रे रे ग म ग रे सा रे पा। तो अब आपको नोटेशंस रटने नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बता दिया सारे रे ग म ग रे ग रे प, तो अब इसको रटने मत बैठो, आप इसके साउंड को समझो, आप जो धुन है उसको सुनो, कहां पर वो हाई इंटेंसिटी हो रही है, कहां पर लो इंटेंसिटी हो रही है, ठीक? ओके, आ आ से आगे गया, आ आ फिर लौट के आया, फिर हाई। तो ये ऑब्जर्व करना है कि कब आपको हाई जाना है, कब लो आना है, यही म्यूजिक है, सिंपल। आपको नोटेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर से देखिए, ऊपर गया, वापस पीछे आया, अब एकदम से जंप मारा इसने, रे के बाद सीधे प, अब आपको पीछे की तरफ आना है, आते जाना है, आपको जब सुनने होंगे तब भी पता लग रहा, मा ग सा धा, लो ऑक्टेव में। फिर आपको लो ऑक्टेव में प तक जाना है, ओके दोस्तों? फिर मा ग सा धा प, और फिर से आपको सेम ट्यूनिंग लेनी है, क्योंकि जो म्यूजिक है वो दो बार है, तो इसलिए आपको दो बार लेना है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पर आपको ध्यान देना है। और आप हिंट चाहते हैं नोटेशंस की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको हिंट मिल जाएगी, लेकिन आपको रटना वहां पर भी नहीं है, ओके? ठीक है दोस्तों, इतना हुआ, इसको आप रिपीट कीजिए, तो दो बार म्यूजिक हो जाएगा। अब आते हैं सॉन्ग पर। देखो सॉन्ग में क्या है, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स, ओके, हर रात मेरे सपने में, आई सी यू आई फील यू, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। अब जो महसूस कर रहे हो तो थोड़े प्यार से करोगे ना, तो जब आप बजा रहे हो तो उसमें फीलिंग लाने की कोशिश करो। अब देखो मैं आपको दो तरीके से बजा के दिखाता हूं, एक सिंपल और एक उसमें फीलिंग कैसे लाए, ठीक है? अभी सिंपल सुनिए, ठीक है? ये हो गया सिंपल। अब इसी को फीलिंग में कन्वर्ट कीजिए, ताकि जो सामने वाली आपकी सुन रही हो उसको आपको पसंद आए, ठीक है? ठीक है?
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप फीलिंग ला सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि आज आपने देखा और आज ही आपको आ गई, ये एक प्रोसेस होती है, आपको इसके लिए बेसिक्स आना जरूरी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पर नंबर मैंने दिया हुआ है। तो अब आपको कैसे बजाना है, जो मेन लाइन है, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू, ओके, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स, ओके, सा 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 नी सा, sa 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 ni sa, I feel you sa ni sa, I sorry I see you I feel you, I see you पहले आएगा, I see you sa ni sa, I feel you sa re sa re re ga ma ga re aa, ठीक है दोस्तों फिर से सुनिए, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको म ग रे लेना था उसमें हल्का सा टच करके आना है, ऐसा नहीं आपको ठहरे रहो म ग रे तो वो स्लो मोशन हो जाएगा, लेकिन हल्की से आपको फीलिंग लेनी है। फिर उसके बाद सेम लाइन आपको दोबारा से लेनी है, सिर्फ लिरिक्स चेंज हो जाएंगे लेकिन म्यूजिक जो है वो सेम रहेगा। अब मैं आपको सी स्केल और ए बेस पर भी बता देता हूं ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ए बेस है, इसकी लेंथ होती है 23 इंच। अब सेम धुन मैं आपको इस पर सुनाता हूं, ए बेस हो गया प्रमोशन। अब आते हैं सी नेचुरल, सी नेचुरल का भी कर देते हैं भाई, पढ़िया वो ये है अपनी सी नेचुरल मीडियम प्रीमियम फ्लूट है ना, अगर आपको ये लेना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जितनी हम साइज कम करते जाते हैं बांसुरी की, उतना ही वो पतला होता जाता है साउंड उसका, ठीक है दोस्तों। तो जो भी स्केल की फ्लूट है आपको सेम तरीके से बजाना है। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे जो लाइन है, फार अक्रॉस द डिस्टेंस एंड स्पेसेस बिटवीन अस, ओके, बहुत दूरियां और जो बीच में हमारे अंदर वो गैप आ गए उसके बारे में बात हो रही है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, सेम तरह से बजाना है, सिर्फ लिरिक्स चेंज हुई है, धुन चेंज नहीं हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। सेम तरीके से बजाएं जो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद अब देखिए, नियर फार वेयर एवर यू आर, पास हो दूर हो कहां भी जहां भी हो आप, मैं बिलीव करता हूं कि मेरा दिल है वो चलता रहेगा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए, नियर फार, नियर पे सा लगेगा, फार पे रे लगेगा, फिर से देखिए, wherever you are, अब wherever में क्या करना है आपको, सुनोगे जब पता लगेगा, फीलिंग लगेगा कि सांस भरने आ गई है तो पीछे की तरफ आना है, wherever, फिर wherever में ही जो आधी नोट से आपको जंप करना है लो ऑक्टेव के पास से मीडियम ऑक्टेव के पास पर, मतलब कि पूरा 12 की 12 स्वर आपको जंप करना है, मतलब कि एक ऑक्टेव आपको जंप करनी है। फिर से सुनिए, अब वेर, ठीक है, मैं एक साथ बोल नहीं सकता एक साथ बजा नहीं सकता, तो पहले आपको बजा के दिखा रहा हूं, लो ऑक्टेव के पास है, सॉरी हाँ लो ऑक्टेव के पास है, आपको मीडियम ऑक्टेव के पा पर जंप करना है। अब वो कैसे जंप होगा, इंटेंसिटी से, सिर्फ आपको नोट्स जो है वो सेम लगानी है, फूक की इंटेंसिटी बढ़ाइए, अब पगरे, ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल कंपोजिशन है लेकिन पूरी बात आती है फीलिंग्स पर।
तो वो फीलिंग जब तक आप नहीं बजा पाओगे तब तक सामने वाला फील नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों, और आपका टाइटेनिक डूब जाएगा। तो आपको टाइटेनिक को डूबने से बचाना है और आपको अच्छे से प्ले करना है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर सेम तरीके से आपको रिपीट करना है। और अगर आपको डाउट होता है बजाने में तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है, और आप कोशिश कीजिए बजाने की, है ना। ऐसा नहीं कि आपको नोटेशन देख के बजाना, मैं बार बार कहता हूं उससे आप सीख नहीं पाएंगे, आपका ही नुकसान है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं कि आप सॉन्ग को सुनिए, टाइम लगता है उसमें मुझे मालूम है, लेकिन वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा और आपकी सीख में वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।